हेलो दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे म्यूजिक चैनल में, एसएस म्यूजिक मास्टर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेंजो टोन, जो कि बहुत लोगों की फरमाइश, बहुत लोगों के कमेंट के बाद हम ये क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग इसमें देखिए कैसे बेंजो टोन हम क्रिएट करते हैं, और आप भी अपने पैरामीटर्स को सेट कर लीजिए, जिससे आपको बेंजो की टोन बनाने में आसानी हो। और आप भी अब यामा i425 में बेंजो बजा सकते हैं। चलिए आइए, लेट्स रीस्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में यहाँ से नंबर लगाएंगे, नंबर डाल करेंगे यहाँ, जिसमें 378 डायल करेंगे, और यहाँ पर 378 हमारा स्क्रीन पर दिखने लगेगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं, इस फंक्शन की कीज पर जाएंगे, फंक्शन में क्लिक करके आप अप एरो डाउन एरो से यहाँ पर प्रेस करेंगे, और सॉन्ग वॉल्यूम ट्यूनिंग 12 और स्टार्ट यहाँ से करेंगे मेन वॉल्यूम से, तो मेन वॉल्यूम 127 रहेगा, ऑक्टिव 0, पैन 64, डिबग 89, कोरस 0, अटैक 64, रिलीज 48, कट ऑफ 90, रिजोनेंस 70। डुअल वॉइस में आप देखिए इसको, ये जो क्लावी के है ना, 176 यहाँ से लगाएंगे आप, तो ये क्लावी टोन यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो ड्यूअल वॉल्यूम आप 100 रखेंगे, डी ऑक्टिव -1, डी पैन 64, रिवर्ब 68, ड्यूअल कोरस 0, अटैक 64, रिलीज 30, कट ऑफ 77, रिजोनेंस 71, और ये आपका बेस के लिए टोन आ जाएगा। तो जिसमें हम फिंगर बेस किया हुआ है, देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। इसका वॉल्यूम 80 रखेंगे, ऑक्टिव -1, पैन 64, रिवर्ब 08, कोरस 0, इसका रिवर्ब देखिए, हॉल 3, कोरस फिंगर 2, स्पीकर 1, और हार्म टाइप टिल 32, हार्म वॉल्यूम 127, और ये बनके आपकी टोन तैयार हो जाएगी। इसे एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर हमारे चैनल की आपको वीडियो ऐसे ही पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपको जिसकी भी टोन चाहिए हो, जिस टोन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप तुरंत कमेंट करिए, आपको वो टोन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।